नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आई है राइट्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है। और जो वैकेंसी है वो है इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज़ है और जो पोस्ट है वो है सिविल इंजीनियर। सो राइट्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो जिनको नहीं मालूम हम बता देते हैं। राइट्स लिमिटेड एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज़ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और ये एक प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि राइट्स का जो वर्क है वो फैला हुआ है, जो कि ट्रांसपोर्ट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज़ में है। सो राइट्स जो है वो अर्जेंट, इसको ज़रूरत है डायनेमिक और हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स की। जैसे हमने बताया आपको, उसकी जो पोस्ट है वो है इंजीनियर सिविल। इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे 35 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस कैटेगरीज का ब्रेकअप है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 12 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 14 है एंड ST के लिए 4 है। और एज लिमिट देखिए, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 40 है यहाँ पे, और जो भी कट ऑफ डेट है कैलकुलेशन एज के लिए वो है 1 फेब 2020। आइए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। सो डेजिग्नेशन एंड पे स्केल क्या होगा, तो जैसे हमने आपको बताया ये इंजीनियर सिविल की पोस्ट है और इसका जो पे स्केल है 40,000 से लेकर 1,40,000 का रहेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और जो एक्सपीरियंस इसमें 2 ईयर्स का मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस की क्या परिभाषा रहेगी, एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए। सो कैंडिडेट शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी जो डिग्री आपने ली है उसके बाद। और वो होना चाहिए अर्थ वर्क, ब्रिज, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट कास्टिंग यार्ड, ट्रैक वर्क, सेफ्टी क्वालिटी एटसेट्रा ऑफ रेलवे, मेट्रो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट्स। तो आपको जो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो सिविल लाइन में होना चाहिए और यहाँ पे जो दिया गया है उसमें ही होना चाहिए। सो यहाँ पर जो डिग्री मांगा गया है, लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर वो दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम जो अनरिजर्व पोस्ट है जनरल कैटेगरीज के लिए। और जो EWS, SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की भी डेट है कट ऑफ, वो 1/2/2020 से कैलकुलेट की गई है। यहाँ पर नोट दिया गया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो डिग्री है आपकी AICTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, तो जो एप्लीकेशंस रिसीव होंगी उनको स्क्रीन किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा, आपका रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, और उसके बाद आपका जो मेडिकली फिट रहेंगे इंटरव्यू के बाद उनको ही फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स को ऑप्शन रहे कि अपना इंटरव्यू वो हिंदी या इंग्लिश किसी दोनों लैंग्वेज में से एक में दे सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस के बारे में दिया गया, आप उसको देख सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, सो कितने टाइम के लिए इंगेजमेंट रहेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या परमानेंट बेसिस। तो यहाँ पर हमने जैसे आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यहाँ पे भी लिखा गया है द अपॉइंटमेंट शाल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एक्सटेंडेबल अंटिल कंप्लीशन ऑफ असाइंड सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल कंसर्न सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस। सो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी और 2 साल के लिए रहेगी, और ये बढ़ भी सकती है जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, और आप इस जो 2 साल में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके पे ऊपर भी रहेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड होता है कि नहीं होता है। सो कैंडिडेट्स जो है कहीं पे पोस्टेड किए जा सकते हैं विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ WDFC। सो ये जो जो ज्यूरिडिक्शन रहेगा उसके अंडर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, और जो आपको ऑफर अपॉइंटमेंट रहेगा वो अप्रूवल रहेगा CV by DFCCIL। तो इसके बारे में थोड़ा आप बाद में चेक कर सकते हैं क्या चीज़ है ये। सो कितना आपका यहाँ पर रोमेंडेशन रहेगा, कितनी आपकी सैलरी वगैरह रहेगी, तो बेसिक पे हमने आपको बता ही दिया है। तो बेसिक पे के अलावा DA फिक्स्ड वेरिएबल अलाउंस 29% रहेगा आपका बेसिक का, HRA लीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ग्रेचुटी, तो ये सब रहेगा। और इसके अलावा आपको ये सब आपको लीव्स के बारे में रहेगा,
और तो अप्रॉक्सीमेट आपको देखिए 8 लाख पर एनम आपकी पर ईयर कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पर रहेगी। तो ये जो ऊपर दिया गया 8 लाख, ये डिपेंड करता है आपकी कहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी या कोई और उसमें कंडीशंस रहेगी अपॉइंटमेंट में, लेकिन 8 लाख के करीब आपकी रहेगी। तो कितनी फीस है इसमें आपको अप्लाई करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस टैक्सेस रहेगा, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 300 रहेगा। और ये हेल्प डेस्क है, अगर आप कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कोई पूछने के लिए कोई क्वेरी है फीस पेमेंट के हिसाब से या कोई और क्वेरी है, तो यहाँ पर आप मेल या कॉल करके पूछ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना यहाँ पे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आप जो भी कंडीशंस यहाँ पे दी है रिक्वायरमेंट के लिए वो फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है इस वेबसाइट पे जाके, rights.com के कैरियर सेक्शन में जाके। और रजिस्ट्रेशन जन नंबर एक जनरेट होगा अप्लाई करने के बाद, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस रजिस्ट्रेशन को आपको हर बार आपको कोट करना है बाद में, जब भी आप राइट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो। और उसके बाद देखिए मेक पेमेंट करना है आपको, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन के टाइम आपको अगर बुलाया जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरी है उसका प्रिंट आउट भी ले जाना है। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपको आगे बुलाया जाता है। और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, सबमिट नहीं करना है। जब आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछा जाएगा आगे के स्टेजेस में इंटरव्यू के दौरान, तब आपको लेके जाना है, या जब आपको बोला जाएगा तभी लाना है। इनिशियली आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हैं, बट वीडियो में बताने लायक कुछ ऐसा खास नहीं है। वेन्यू एंड टाइम देखिए, तो रिटर्न टेस्ट कहाँ कहाँ पर होगा, इसमें 6 डिफरेंट लोकेशंस रहेंगे। इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अगर आप रिटर्न टेस्ट में क्लियर होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसका भी जो वेन्यू है कहाँ होगा वो आपको जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको बता दिया जाएगा। और देखिए ये 6 जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर। और ये आपको दो प्रेफरेंस भरनी है, आपको किस कहाँ पर रिटर्न टेस्ट चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के दौरान। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। कोई भी ट्रेन, बस फेयर, TADA आपको नहीं मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कम्युनिकेशन विद राइट्स के बारे में है कि आपको कोई भी चीज़ अगर कम्युनिकेट करना है तो इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, उसका प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स हम आपको बता देते हैं कि जो इसकी इम्पॉर्टेंट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27/2 से चालू हो गई है, लास्ट डेट इसकी 23 मार्च रहेगी। तो आपको सभी भी इसमें करीब 12 दिन है, और डेट ऑफ सिलेक्शन जो है इसकी आपको बाद में बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, और अगर नहीं एलिजिबल हैं तो इसको रिक्वेस्ट करें कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकें और वो इसमें अप्लाई कर सकें। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी जो भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है उसके बारे में पता लगे और आप उसको अप्लाई कर सकें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।